ऐसे भी मैं सोनाक्षी बोस आई लव यू आई लव यू आईज प्यार करता हूं मैं आपकी आंखों से इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हाँ कुछ काजल सा लगाती हैं उनमें लेकिन वो तो मुझे दिखाई भी नहीं देता लेकिन जब आप किससे बात कर रही होती हैं आपकी आंखें कितनी उदार होती हैं आई लव योर लिप्स इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट हैं इसलिए जब आप बात करती हैं तो उनसे जो वर्ड्स निकलते हैं कितने अंडरस्टैंडिंग होते प्यार से भरे होते मैंने आपके इयररिंग्स नोटिस किए लेकिन तब जब आपने शर्मा के नीचे देखा प्यार करने लगा हूं मैं आपकी इस नई नई शर्म से ये साड़ी चमके आपका हार ये सब कितने खूबसूरत है मैं नहीं जानता आप कितनी खूबसूरत है आपका मन कितना खूबसूरत है ये जानता हूं मैं तो आप पंडित जी से मिल भी लिया जी अरे बेटा रखो हम ले लेंगे शुक्रिया फिल्टर है ना घर में या सीधा नलके से ला रही हो नहीं नहीं आंटी जी फिल्टर है अरे आपने कचौरी तो खाई नहीं लीजिएगा मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है कचौरी जी वो मैं मसाला जरा कम ही खाती हूँ भाई बहन जी बहुत ही बढ़िया कचौरी है कभी हमारे घर आइएगा तो ईश्वरी के हाथ की कचौरी खाइएगा कमाल का बनाती है अच्छा बहन जी आप कुछ कह रही थी क्या कहा पंडित जी ने हम जानते हैं कि हम जल्दी कर रहे हैं पर हमारे पंडित जी ने बोला है कि अगले हफ्ते एक शुभ मुहूर्त है अगर वो निकल गया तो 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा हाय हाय कितनी गर्मी है यहाँ बेटा जरा एसी चला दो एसी तो नहीं है कूलर है मैं आपके साइड घुमा देती हूँ ठीक है बहन जी अगले हफ्ते कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा मैं समझती हूँ बहन जी पर 3 महीने बाद बहुत लेट नहीं हो जाएगा रणवीर की बहू लाने में अब मम्मी जी कोई देर नहीं करना चाहती और वैसे भी आंटी जी मुझे भी अपनी देवरानी लाने का बहुत चाव है सच में बड़ी भाग्यशाली है हमारी नेहा ऐसे घर में आ रही है जहाँ इतना प्यार है प्यार के अलावा और कुछ है भी नहीं है भाग्यवान तो हम हैं पर बहन जी नेहा को हमारे घर में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि हमारे घर में आप जैसी सुख सुविधा नहीं है सुविधा नहीं है तो क्या हुआ बहन जी प्यार तो है सुख तो है एसी नहीं है बस गर्मी बहुत ज्यादा है ठंड तो मन में पड़नी चाहिए राधा रानी कूलर एसी तो आते जाते रहते हैं हाँ भाई सही कह रहे हैं भैया सच मेरे मन में तो कोई शक नहीं है आपसे मिलकर आपके घर के संस्कार देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी और वैसे भी आंटी जी अब तो रणवीर को अच्छी नौकरी मिल गई अब तो सब ठीक ही ठीक होना है नेहा कितने भाग्यशाली है हमारे रणवीर के लिए बहुत लकी है बहन जी अब आज्ञा दीजिए अगले हफ्ते शादी है तो तैयारियां भी तो बहुत करनी पड़ेगी ना जी चलते हैं हम लोग हाँ भाई जी चले निकले चल हाय आपका मुझसे मिलना मेरा आपसे प्यार करना आपका मुझसे प्यार करना ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे खूबसूरत चीज है मेरी जिंदगी में आज तक इतना खूबसूरत कुछ नहीं हुआ है और सच कहूं तो अब अपने लिए इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं खुश हूं मैं इसी में डोंट डू दिस मिस्टर दीक्षित ये सब आप जो मुझे कह रहे हैं मैं आपसे कहना चाहती थी आप जानते हैं ना
मैं कब से अपनी लव स्टोरी की वेट कर रही थी, मैं सपने देखती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम दोनों ऐसे। तो हमेशा सोचती थी कि आप किसी और के हो जाएंगे और मेरे हिस्से में सिर्फ हार्ट ब्रेक तो कर दर्द हो। मैं आपको कभी दर्द नहीं देना चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता कभी। देव, आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। तो मत बनाइए मुझे इतना इम्पोर्टेंट, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी पावर मत दीजिए कि मैं आपको हर्ट कर सकूं। मैं सोनाक्षी बोस, आप मुझे जानती है कितना है। जितना जानती हूँ उतना काफी है। किस लिए? आपसे प्यार करने के लिए। पता है, जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना है, सिर्फ मेरा, जिसे मैं कभी भी पा सकता हूं, मांग सकता हूं हक से। अब इस जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोनाक्षी, यू कंप्लीट मी एंड यू कंप्लीट मी। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। कहूँ तू इतना मेरे पास है।
कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा। शुवार माथा खराब, ऐसा बात करते हैं अपना माँ से, ये कोई बात हुआ? तुम्हारा वाइफ का तुम्हारा माँ से रिलेशन अच्छा है इसलिए तुम गुस्सा हो? आश्चर्य। आशा ये होलो, तारातारी बोलो, मुझे किचन में बहुत काम है। माँ हाँ, तुमने इसको एक साड़ी दी थी? हाँ। पूछो इससे कहाँ है। मालूम है मुझे, उसके बहन एलिना का मम्मी के पास है। तुम्हें जानो? हाँ जानी। पर तुमको ये पता नहीं होगा माँ, क्या कि जब मासी घर पे आई थी तो वो सुजाता मासी, हाँ, उस समय आशा ने ड्रामा किया था कि बहुत बीमार है ताकि सुजाता जल्दी घर चली जाए। हम सब जानी। अरे हम दोनों मिलके ही तो प्लान किया था। ऐसी माँ और ऐसी बीवी हो ना तो आदमी कहाँ जाए। माँ सुजाता मासी फिर से आ रही है तो आपको फिर बीमार होने का ड्रामा करना पड़ेगा। इस फुटबॉल को भी पता है? छोना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मतलब ऑफिस में वो अपने वो देव बाबू के घर होगी ना। सपने मेरे तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू ली। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी। ओनो बहुत लेट हो गया, मुझे जाना चाहिए, सब लोगों को घर पे टेंशन हो गया होगा, मैं चलती हूँ। सोनाक्षी मैं नहीं रुक सकती, यहाँ पे भी तो सब आने वाले हैं ना, अभी प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ देता हूँ घर तक, पर आपको ये सब, मैंने कहा ना घर तक छोड़ देता हूँ, मेरा हक है तुम पर, इस बात के लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती, मेरा बस चले तो हर सेकंड तुम्हारे साथ रहूं, हर पल तुम्हारे साथ रहूं। चलो देख ले देव, मैंने पहले ही कहा था, अरे इन लोगों के लिए महंगे तोहफे ले। देव ये कहां चला गया?
ये कैसी महक आ रही है? मोमबत्ती? नाइट गई थी क्या? भोला, ओ भोला। जी, जी मामी जी। ए, क्या जी मामी जी करता है? मेम साहब का आकर मेम साहब समझ गया? ये पकड़ मोमबत्ती, हटाई से यहाँ से और कमरा साफ कर दे। मामी जी। क्या है? मेम साहब, ये इधर पड़ा था। क्या देख रहे हैं? ये ढूंढ लिया है तो ये मत समझना राधा रानी तुम्हें बख्शीश दे देगी। चल जा। जी। लालची कहीं का। अरे तो वही है जो सुबह मिला था मुझे। दिन में दो बार खो दिया इस लड़की ने। हे भगवान, ये नेहा कितनी लापरवाह है। ऐसे क्या दिख रहा है? चांद देख रहा हूँ। तो ऊपर देखिए ना। मिस्टर दीक्षित, आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। पहले तो कट टू कट ड्राई बातें क्या करते थे? क्या ना, पहले मैं सिर्फ बिजनेसमैन था, अब बॉयफ्रेंड भी हूँ। और बिजनेसमैन तो सिर्फ आता जाता ट्रैफिक देखते हैं, बॉयफ्रेंड्स चांद भी देखते हैं। मिस्टर दीक्षित, ऐसा लगता है कि ये सब सपना है, और अगर सपना है तो मैं जागना नहीं चाहती। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स देव फॉर यू, और दूसरी बात ये सपना नहीं, हकीकत, और ये सच कभी नहीं बदलेगा। अच्छा हाँ, एक्चुअली हाँ, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। कल वो दिन है जो मेरे साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, मेरी माँ का बर्थडे। मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्या आप जल्दी आ सकती? जी, लेकिन आप आंटी जी को क्या सरप्राइज देना चाहते हो? एक्चुअली हर साल मैं उनके लिए साड़ी लेता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ आती हैं। इस साल मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें सरप्राइज दूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि आप मेरे साथ आएं। और आप जानती हैं कि मैं इन चीज़ों में थोड़ा गधा हूँ। आप कई चीज़ों में बड़े गधे हैं मिस्टर दीक्षित। सोनाक्षी। सॉरी सॉरी, आप क्या कह रहे थे? सीरियसली, मैं चाहता हूँ कि माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए आप मेरे साथ चलें। जी, पर हम जाएंगे कब? मैं तो आपके घर के लिए 10 बजे निकलती हूँ, और तब तो मार्केट खुला भी नहीं होता। उसकी फिक्र मत करो, मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी दुकान खुलवा सकता हूँ, तुम बस 8 बजे रेडी रहना। ओके। ये क्या है, एक कान में झुमका है और एक कान में नहीं, कोई नया फैशन है? फैशन नहीं है, गिर क्या होगा, आपके रूम में तो नहीं गिरा ना? इट्स ओके, मैं ढूंढ लूंगा। ओके, अब चलेंगे, देर हो रही है। ओ प्लीज, ये काफी बेटर। ओके, ए इसे देख कितना अच्छा है, देख इतना बड़ा मैं पहनती ही नहीं है, तो ऐसा कब देखा उन्हें पहने? अरे आप ना सिर्फ जेलस हो क्योंकि मेरा गिफ्ट बेटर है आपसे। स्टूपिड, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख, ये जो नेकलेस है ना, उसके साथ ये इयररिंग्स जा नहीं रहे हैं, और वैसे भी माँ को मेरा गिफ्ट बेटर लगेगा। मेरा बेटर है? तुम लोग फालतू में लड़ रहे हो, हम लोग माँ को कुछ भी खरीद के दे देना, फिर भी उनको सबसे बेस्ट गिफ्ट भाई का ही लगेगा। बात तो सही है। वैसे भाई माँ को हर साल उनके बर्थडे पे एकदम महंगी वाली डिजाइनर साड़ी देते हैं ना, और कोई वो ऐसी वैसी डिजाइनर साड़ी नहीं होती है, ऐसी डिजाइनर साड़ी होती है जो सिर्फ माँ के लिए बनी जा सकती है, और वो कहीं अवेलेबल ही नहीं होती। आई थिंक माँ को सबसे स्पेशल चीज वही लगती है कि भाई उनके लिए छुट्टी लेकर उनके साथ बाहर जाते। नेहा, तुम फिर से अपना आयरिंग छोड़ आई? आयरिंग? ये मामी, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि माँ को ये गिफ्ट कैसी लगेगी? राधा रानी को एक वक्त में एक ही काम करना पसंद है, इसलिए तू अपना मुंह बंद रख, समझी? नेहा, तूने फिर से छोड़ दिया इसे, अरे जोड़ा खराब करेगी क्या?
मामी मैंने नहीं छोड़ा तो मामी अब फालतू में इन पे चिल्ला रही है कि इयररिंग इनकी है ही नहीं इसकी नहीं है तो फिर किसकी है तुम दोनों ने भी मना कर दिया था हाँ मामी हमारी है ही नहीं ये सोना देखी है कुछ तो चल रहा है जो वो बंगालन राधा रानी से छुपाना चाहती है आप भूलेंगी तो नहीं कल 8 बजे देव आप बहुत बड़े खतरे हैं व्हाट आपने मेरे साथ अपनी जिंदगी शेयर की है ना लेकिन शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बताना बांटना भी होता मैं आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि आपकी माँ मेरी माँ हूँ और मैं अपनी माँ की बर्थडे कभी नहीं भूलती तो आप टाइम पे आइए और मैं 8 बजे तैयार होंगी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.